मेरे को ना कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों से, लेकिन इनको देख के ना मुझे अपनी एक्स की याद आती है। मेरे सांप जैसे दोस्तों में ना उस नागिन के अलग ही जलवे थे। स्टार्स कर रहा था जैसे तुम लोग अभी कर रहे हो, तो मेरे को एक वीडियो दिखी, उसमें था एक लड़की बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे यूज करके छोड़ दिया, मुझे बहुत एक चीज हुई उसे कहते हैं चुल। मैंने उसका इंस्टा पे चेक किया, उसमें स्वीट 14। मैं कहा दीदी क्या इस्तेमाल किया उसे तुम्हारा। क्या ही ज्यादा ज्यादा क्रिकेट में बैटिंग दी होगी या टिफिन अकेले खा लिया होगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कौन है बाहर निकल जाओ। यार मेरे को ना कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों से, लेकिन इनको देख के ना मुझे अपनी एक्स की याद आती है। मेरे सांप जैसे दोस्तों में ना उस नागिन के अलग ही जलवे थे। पता नहीं यार हूं मेरे से हक करते थे ऐसा लगता था पाइप पे भालू चढ़ गया। पर कोई नहीं इम्प्रोवाइज। उसके बाद पता है प्यार और गहरा हो गया, इश्क बढ़ता गया, नहीं ब्रेकअप। पतली के लिए छोड़ गया यार, जितने में मैं पतला होता उतने में। मैंने उससे कहा सिर्फ 30 साल का समय दे, एज पर एज रिक्वायरमेंट मैं पतला हो जाऊंगा। पर चलो कोई बात नहीं है, इंप्रोवाइज करना पड़ता है। मारुति 800 चलानी थी उसे, वो चला ली। सो मेरे रिलेटिव्स बहुत कलरफुल हैं। मेरे रिलेटिव्स हैं वो आए, उन्होंने कहा बेटा मेरे को पहचाना, मैंने कहा हाँ अंकल बिल्कुल। उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, मैंने कहा अंकल मैं BCA कर रहा हूँ। बोले क्यों, मैंने कहा मेरी मर्जी। तो मैं बदला तो कहीं लेना है, बदला कहीं लेना है, पापा को जो चला। पापा ने कहा बेटा चलो सबकी फोटो लो, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाँ अंकल आप थोड़ा औकात में, थोड़ा नहीं थोड़ा 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 सा औकात में, हाँ हाँ बाहर। तो इसका कोई मीनिंग नहीं था वैसे कोई, क्योंकि मेरे को क्या है 5 मिनट तुम्हारा दिमाग खाना था और तुम लोग 440 की स्माइल लेके चले जाओगे, बाद में टैग करोगे मोटे ने मजा दिलवाया।